हेलो दोस्तों, परीक्षा प्लस में आपका स्वागत है। जूनियर असिस्टेंट के टेस्ट नंबर 8 में रीजनिंग पोर्शन के सॉल्यूशन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो है ऑड वन आउट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑड वन आउट में इसका जो पहला क्वेश्चन है, आपका आंसर जो होगा डी होगा। इसमें पूछ रहा है गूंगा, लंगड़ा, विकलांग और नज़रअंदाजी। तो ये आपका आपका ऑप्शन जो डी होगा, ये ऑड होगा। अगला है दूसरा, ये भी ऑड वन आउट से आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग कर लिए होंगे। इसका भी ऑप्शन डी ही होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। ये जो सिलॉक्स के नए पैटर्न पे क्वेश्चन आपको यूपी ट्रिपल एससी के लोअर में देखने को मिला था, उसी टाइप से ये भी क्वेश्चन है कि आपको डायग्राम बना दिया गया है, उससे पूछ रहा है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा कौन सा नहीं करेगा। चलिए देखते हैं, डायग्राम है ये। फिजिक्स पूरा का पूरा फिजिक्स जो है आपका साइंस में है इंक्लूड, और कोई भी साइंस जो है आपका मैथ्स नहीं है। ऐसा कुछ डायग्राम बना हुआ है, आपसे कॉन्क्लूजन नीचे दिया गया हुआ है और पूछ रहा है इसमें से कौन सा कॉन्क्लूजन जो है फॉलो करे नहीं करेगा। ठीक है, आप ये ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन की, हो सकता है आपसे पूछे कि इसमें से बताइए कौन सा निष्कर्ष जो है अनुसरण करेगा, और हो सकता है ये भी पूछ ले कि कौन सा निष्कर्ष नहीं अनुसरण करेगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, मैंने आपसे पूछा है कि कौन सा निष्कर्ष आपका नहीं अनुसरण करेगा। तो पहला देखते हैं, पहला जो ऑप्शन है इसमें बोल रहा है कि कोई गणित विज्ञान नहीं है। देखिए यहाँ पे साइंस और मैथ के बीच में नो का रिलेशन है, तो ये आपका सही हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन आपका सही है। तो ये आंसर सही नहीं है, आपसे जो पूछा है ये सिर्फ निष्कर्ष इसके हिसाब से सही है, आपसे पूछा कि कौन सा निष्कर्ष नहीं फॉलो करेगा। चलिए उसे देख लेते हैं। ऑप्शन बी में कुछ भौतिकी गणित हैं, फिजिक्स मतलब कुछ जो आपके फिजिक्स जो हैं वो क्या है, गणित हैं। आप यहाँ देखिए फिजिक्स और गणित में क्या आपका ये रिलेशन नहीं हो सकता, ठीक, ये आपका नहीं बन सकता है कि यहाँ पे आपका कुछ का रिलेशन दिया हुआ है, आपका यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि नहीं है, ठीक, तो ये नहीं है, तो ये आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। कुछ भौतिक गणित नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नो का रिलेशन दिख रहा है, साइंस मैथ्स इधर टच नहीं हुआ है। तो ये आपका जो ऑप्शन बी है ये गलत है, क्योंकि हमें डायग्राम में ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है कि फिजिक्स और मैथ में कोई रिलेशन है। अगला सी में देखते हैं कि सभी भौतिकी विज्ञान है, मतलब सभी फिजिक्स जो हैं वो क्या है, आपके साइंस है, तो ये तो दिख रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही था। डी में देखते हैं, ऑप्शन डी क्या बोला है, कोई विज्ञान गणित नहीं है, चाहे वही मैथ्स का पूछे कि नहीं है, दोनों तरफ एरो लगा है कि कोई भी साइंस मैथ नहीं है, कोई भी मैथ साइंस नहीं है, तो ये भी सही हो गया। तो आपका जो भी ऑप्शन दिया था चारों, उसमें से ए, सी और डी ये कंक्लूजन जो है इसको फॉलो कर रहे हैं डायग्राम को, सिर्फ बी वाला ऐसा कंक्लूजन जो फॉलो नहीं कर रहा, और यही पूछा है कि आपको वो कंक्लूजन बताइए जो इस डायग्राम को फॉलो नहीं कर रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 है, डाइस से है, 3 आपके दिए हैं गामा अल्फा बीटा, इसमें है बीटा सिग्मा थीटा डेल्टा अल्फा बीटा, पूछ रहा है अल्फा के अपोजिट में क्या होगा। ठीक है, तो यहां से देख लेते हैं, बीटा यहां से क्लॉकवाइज हुए हैं, थीटा डेल्टा यहां से देख लेंगे तो बीटा अल्फा गामा, तो अल्फा के अपोजिट में क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका डिस्टेंस डायरेक्शन से, बोला जफर एक निश्चित बिंदु से उत्तर की तरफ चलता है, जफर है कोई उत्तर की तरफ चला, कितना चला 15 किलोमीटर, फिर अपनी दाईं तरफ मुड़ता है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ेगा, कितना मुड़ेगा 15 मुड़ता है, फिर अपने प्रत्येक समय अपने बाएं तरफ मुड़ता है। अब जितना भी दिया हुआ सब में बाएं तरफ मुड़ता है, तो पहला जो दिया है 10, तो ये बाएं मुड़ा, फिर 15 वो भी बाएं मुड़ेगा, फिर 15 तो आपका ये हो जाएगा 10 ये और 5 और यहाँ कवर करेगा इसका, तो ये 15 और बाएं आ गया। अब पूछ रहा है कि आरंभ से मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से जो एंड पॉइंट है इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, तो इसके ये टोटल 15 था, इसमें से 5 चल लिया, तो टोटल कितना बचा, 10 बचा इनके बीच की डिस्टेंस, तो 10 होगा, ऑप्शन इसका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कथन निष्कर्ष है, इसमें बोला केवल विज्ञान के छात्रों को सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति है, विज्ञान के छात्रों के अलावा किसी को भी अनुमति नहीं है। ये आपका स्टेटमेंट दिया गया है कहीं जो भी वो समारोह हो रहा है कि वहाँ पे विज्ञान के ही छात्र आ सकते हैं,
तो उसमें इससे रिलेटेड निष्कर्ष दिया है कि पहला सम्मेलन में उपस्थित सभी छात्र विज्ञान के छात्र हैं, ठीक। तो ये तो आपका फॉलो करेगा क्योंकि उसमें बोला भी है कि जो भी सम्मेलन में आएगा वो कौन होगा, विज्ञान के छात्र होंगे। सेकंड है, जिनका विषय विज्ञान नहीं उन्हें सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति नहीं। ये भी सही है कि दूसरे सब्जेक्ट्स वालों को उस सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति नहीं, मतलब दोनों हमारे क्या होंगे, निष्कर्ष फॉलो करेंगे। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसका आपका सॉल्यूशन पीडीएफ में दिया हुआ है, आप वहां से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 का भी सॉल्यूशन आपके दिया हुआ है पीडीएफ में, वहां से आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 9 में आपको आते हैं बताते हैं, इसमें बोला है हाँ कथन और कार्रवाइयां हैं आपको, तो इसमें देखना है आपको कि एक कथन दिया है उसके हिसाब से आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं उस पर। पहला है कथन कि कामकाज के सामान्य अवधि सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक होने के बावजूद ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि कर्मचारी काम पर देर से आते हैं जिससे कारखाने में कामकाज प्रभावित होता है। तो अब इसमें आप क्या करोगे, क्या कार्रवाई करोगे कि वो लोग जल्दी जाने लगें। तो पहला है, कर्मचारियों को चेतावनी दी जाए कि यदि कोई सुधार नहीं होता है तो उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये सही है कि अगर वो अपने आदत से बाज नहीं आते हैं तो उनको कुछ ना कुछ उनके ऊपर कार्रवाई होगी, तो ये तो सही है। अगला है कि कार्य की अवधि ऐसी होनी चाहिए जिससे प्रत्येक कर्मचारी अपने सुविधाजनक समय पर काम पर आ सके। नहीं, ये तो आपका गलत हो जाएगा, ऐसी कार्रवाई करेंगे तो जब जिसका मन करेगा तो वैसा आएगा, तो कोई एक समय निर्धारित ही नहीं होगा कि कितने समय में आपको काम करना है, ठीक। तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला है तो आपका क्या इसमें सही होगा, पहला सिर्फ सही होगा, तो ठीक ये आपका सही होगा, केवल पहला अपनाया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें बोल रहा है कि ये आपका आसान सा क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन जो होगा डी होगा, एनालॉजी से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, ये भी एनालॉजी से है, कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन ए होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये जो है आपका 12 नंबर क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से है, इसका सॉल्यूशन आपके पीडीएफ में दिया गया है, आप तो वहां से देख सकते हैं। जिसके सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में नहीं दिया गया वो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व कराऊंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में ये भी कोडिंग डिकोडिंग है, इसका सॉल्यूशन आपको वहाँ नहीं मिलेगा, मैं वीडियो में करा दे रहा हूँ आपको। CHINA चाइना, BFFJV पूछ रहा है इंडिया का कोड क्या होगा, ठीक है। तो सी से देखते हैं, बी कितना कम हुआ, एक माइनस हुआ, ये 3 पे है, ये 8 पे, 9 पे, ये 14 पे, ये 1 पे, ये हो गया 2, 6, 6, 10, 22। तो यहाँ से कितना कम हुआ, -2, यहाँ से -3, यहाँ से -4 और यहाँ से -5। वैसे करते हैं -1 कम होगा तो यहाँ हो जाएगा 8 मतलब H, और यहाँ से कितना कम होगा, -5 कम होगा, 2, -2, -3, -4, तो यहाँ से V आएगा। तो देख लेते हैं लास्ट में, V दो ऑप्शन में है, तीन ऑप्शन में है, चलिए चेक करते हैं। इससे 14 से 2 जाएगा तो 12 L होगा, और D से -3 जाएंगे तो A, और फिर I से जाएंगे -4 तो 5 मतलब E। तो HLAEV आपका ऑप्शन किस में मैच कर रहा है, ऑप्शन बी है ये, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, ये आपके कोडेड ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन मैं बता दे रहा हूँ। आपके स्टेटमेंट में जो दिया आप पढ़ लीजिएगा कि पी परसेंटेज क्यू का मतलब है, पी क्यू का बेटा है, पी हैज क्यू का मतलब है, जो भी दिया है आप क्वेश्चन पेपर से देख लीजिएगा। इसमें जो पूछ रहा है कि डी एट द रेट ए परसेंटेज बी हैज सी, तो डी सी से कैसे संबंधित है, इनके बीच में आपको रिलेशन बताना है। तो डी परसेंटेज ये डायग्राम बना लेते हैं, डी एट द रेट ए का मतलब क्या है, तो एट द रेट का देखते हैं पी क्यू की बहन है, तो मतलब डी जो है ए की क्या होगी, बहन होगी, माइनस लगा दिए। अब अगला है ए परसेंटेज बी, ए परसेंटेज बी का मतलब परसेंट का मतलब देते हैं पी क्यू का बेटा है, तो ए जो है वो बी का क्या होगा, बेटा होगा, ठीक है, प्लस लगा दिए यहाँ पे एक पे। अगला है बी हैज सी, ठीक, बी हैज सी का मतलब है कि पी जो है क्यू की बेटी है, तो बी जो है वो क्या है, सी की बेटी है, ठीक। ये आपका डायग्राम बन गया उससे।
अब आप बता सकते हैं रिलेशन आसानी से कि डी और सी में क्या संबंध है। तो जो यहाँ पे डी है वो इसका जेंडर क्लियर है, तो हम बता सकते हैं ये तो तीसरे जनरेशन में है, तो तीसरे में पोता या पोती, तो यहाँ जेंडर क्लियर है, तो क्या होगा, पोती, ठीक है, ग्रैंड डॉटर होगी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोला सभी पुस्तकें आदमी हैं और सभी आदमी शेर हैं, एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनेगा आपका। निष्कर्ष है सभी पुस्तकें शेर हैं, सभी पुस्तकें शेर हैं, इनसे आउट जा रहा है तो ऑल का केस ट्रू हो जाता है, तो पहला आपका सही हो जाएगा। सेकंड बोला सभी शेर पुस्तकें हैं, सभी शेर पुस्तकें, ये तो आपका सही नहीं होगा, आपका गलत हो जाएगा। सेकंड सभी आदमी पुस्तकें हैं, सभी आदमी पुस्तकें, ये भी आउटसाइड से इनसाइड में आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कुछ शेर पुस्तकें हैं, कुछ का केस दोनों में सही होता है, तो आपका फर्स्ट और कौन सा सही हो रहा है, फोर्थ सही हो रहा है, जो ऑप्शन में होगा, ऑप्शन बी में ऐसा बता रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपका पीडीएफ में सॉल्यूशन दिया, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का भी दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 का भी दिया हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ये आसान सा क्वेश्चन है, इसमें आप साइन चेंज करना है आपको और सिंप्लीफिकेशन करना है, ये भी आप लोगों से लग जाएगा, इसका आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, पीडीएफ में आपका सॉल्यूशन दिया गया है, आप वहां से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, चलिए 21 को बता देते हैं, इसका सॉल्यूशन नहीं है पीडीएफ में, ये डाटा सफिशियंसी से है, बोल रहा है कि आपको दिया गया है नीचे जितने भी आपको कथन दिए गए हैं उसमें से बताना है कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तीन कथन दिए गए हैं, ठीक, और प्रश्न आपसे क्या है, प्रश्न है वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, स्क्वायर का एरिया पता करना है आपको, और तीन कथन दिए हैं। पहले कथन को देख लेते हैं, पहला कथन बोला वर्ग के जो डायगोनल है उनका माप दिया गया हो तो क्या आप निकाल सकते हो, अगर जो आपका ये स्क्वायर है इसका अगर डायगोनल हमें पता चल जाए, क्योंकि ये ए होता है, ये ए होता है, तो यह क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2a², तो अंडर रूट 2a आ जाएगा, तो यहाँ से a हमें पता चल जाएगा अगर हमें डायगोनल पता रहेगा, तो यहाँ से भी एरिया आ सकती है। सेकंड से वर्ग का एक भुजा का माप दिया हो, अगर कोई भी एक साइड दिया हो तो पूरा साइड तो बराबर ही होता है, तो हम एक का स्क्वायर ही इसका एरिया होता है, तो यहाँ से ये भी पता चल जाएगा, सेकेंड से भी चल जाएगा। तीसरे में क्या बोला, वर्ग का परिमाप दिया गया हो, तो वर्ग का परिमाप मतलब पेरीमीटर, ठीक है, तो पेरीमीटर अगर दिया है तो 4a² अगर समथिंग दिया रहेगा तो आपको यहाँ से ए पता चल जाएगा, तो ए पता चल जाएगा तो एक का स्क्वायर कर देंगे तो आपको एरिया पता जाएगा, मतलब हम तीनों से आपको क्या कर सकते हैं कि एरिया निकाल सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, तीनों में से कोई भी एक जो है उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22, इसमें दो इक्वेशन दिया है, पहला है क्वेश्चन में 2x डाटा सफिशियंसी से +y = 22, और सेकेंड जो है आपका 3x -2y = 12, इसमें पूछ रहा है कि आप x की वैल्यू किससे निकालेंगे, ठीक, तो इसमें क्या हो सकता है कि पहला ये है दूसरा ये है, तो पहले से सिर्फ दो वेरिएबल दिया है तो हम यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकाल सकते और इससे भी इंडिविजुअली x की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, ठीक, तो इसीलिए हमें दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, तो हमें दोनों की हेल्प लेना पड़ेगा, तो हम कहेंगे कथन ए और बी जो दिया है पहला और दूसरा कथन, वो दोनों आवश्यक हैं आंसर निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन 23 कोडिंग डिकोडिंग से है, इसे देख लेते हैं, FISHERY JSFIT JG, पूछ रहा है SCHOOLED इसका कोड क्या होगा, यहाँ से देखते हैं Y से Z, R से S, E का F, H का I, S का T, समय +1 हो रहा है पीछे से, तो इसका भी हम +1 कर देंगे पीछे से, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, ठीक है, समय +1 पीछे से, यहाँ से D से E, E से F, L से M, O से P, यहाँ का भी P, ऐसे +1 करते सब में चले जाएंगे, तो ऑप्शन जो B है आपका वो सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका पीडीएफ सॉल्यूशन में दिया है, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25 आसान सा है आपको, सिंबल में जो आपका अल्फाबेट्स दिए हैं उनका वो यूज़ करना है, सिंबल यूज़ करना है, और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, उसको सिंप्लीफाई करके आपको आंसर निकाल देना कि कौन सा आपका फॉलो करेगा। अगला है
26 इसका भी पीडीएफ में आपका सॉल्यूशन दिया गया, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। 27 जो है आपका पेपर कटिंग फोल्डिंग से आसान सा क्वेश्चन है, आप उसे देख लीजिएगा, आंसर बी होगा उसका। 28 का भी आंसर ए होगा, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें मिरर इमेज से क्वेश्चन है, रीजनिंग लिखा हुआ है, इसका मिरर इमेज पूछ रहा है, तो मैंने बताया आपको रीजनिंग में जब भी आपको मिरर इमेज पूछे तो आप ये लिख लीजिए, जो भी आपको रफ सीट मिलता है, जो भी कुछ हो, चाहे वो फिगर हो, चाहे अल्फाबेट्स हो, जो भी हो, आप सीट पे लिखिए, रफ सीट पे, और उसे गाढ़े पेन से लिखिए और उसे पीछे करके देख लीजिए कि उसमें क्या छप रहा है। जैसे जैसे वो लेटर बन रहे हैं वैसे वैसे उसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो आपका ये भी सही हो जाएगा, इसका आंसर भी हो जाएगा। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन है, पीडीएफ में आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। तो ये आपके पेपर जो है 8 का पूरा सॉल्यूशन रहा। ठीक, अब मिलते हैं अगले पेपर 9 में, धन्यवाद।